हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जयसिंह शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। टुडे वी आर डिस्कसिंग डीसीएम 10 ऑफ नीट 2022। आवर टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रोड ए बी ऑफ लेंथ स्मॉल एल, वेयर द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड एट ए पॉइंट डिस्टेंट एक्स फ्रॉम ए इज 1+xg। हमें जो वेट गिवन है यूनिट मास का वो है 1+xg, यानी यूनिट लेंथ का जो मास है वो कितना है 1+x। तो हमारे पास dx लेंथ का जो मास होगा dm वो कितना हो जाएगा 1+x(dx)। अब हम जानते हैं कि xcm यानी सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट है उसको अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम इंटीग्रेशन से सोल्व करते हैं 0 to L dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0 to L dm। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, तो dm की वैल्यू है हमारे पास 1+x(dx) और साथ में हमें इसको मल्टीप्लाई करना है x से, अपॉन यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 to L और अपॉन में हमारे पास है 0 to L 1+xdx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आएगी 0 to L xdx प्लस 0 to L x²dx अपॉन में 0 to L dx प्लस 0 to L xdx। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा x²/2, लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा L²/2 प्लस, जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा x³/3 और लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा L³/3। डिवीजन में हमारे पास यहाँ आएगा x, x में लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा L और यहाँ आएगा x²/2, लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा L²/2। अब देखिए यहाँ से हम L² को कॉमन ले सकते हैं और नीचे से हम L को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस L/3। L² हमने कॉमन ले लिया है, डिवीजन में हमने 1+L/2 रखा है और L कॉमन ले लिया है, एक L से L कैंसिल आउट हो गया। इसको सब सोल्व करेंगे इसके बाद यहाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3+2L अपॉन 6 और यहाँ आ जाएगा 2+L/2। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये 3 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3+2L डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6+3L और साथ में हमने जो यहाँ पे एक L रह गया है तो ये L आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 3rd। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 2m, m1 इज इक्वल्स टू 2m, m2 इज इक्वल्स टू 4m, m3 इज इक्वल्स टू 2m एंड m4 आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m4 सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द 4 पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो देखो, स्क्वायर के सेंटर पे अगर हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन दोनों लाइंस के अबाउट क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। तो यहां पर मास आपके पास m1 है 2m और m3 जो है वो भी 2m है, मतलब इस लाइन के अबाउट मास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। सिमिलरली अगर हम देखें तो m2 की वैल्यू हमारे पास है 4m, तो मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां पर भी कितना होना चाहिए? 4m। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? 4m है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली देन, जब दो पिंड पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो क्या होगा? तो देखो, जब भी दो पिंडों की टक्कर होती है तो उनमें रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, यानी लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्वड होता है और इसके साथ साथ जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। लेकिन अगर हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की
प्रत्यास्थ टक्कर की, तो प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग तो संरक्षित रहता ही है, उसके साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो भी कंजर्व्ड रहती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, थर्ड। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, होता है लेकिन ऑलवेज ज्यादा करेक्ट नहीं है। लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी होता है लेकिन ऑलवेज हम नहीं कह सकते। लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, सम ऑफ टाइम्स बॉडी के बाहर होता है लेकिन हम ऑलवेज उसे भी नहीं कह सकते। तो करेक्ट आंसर जो हमारा क्या होगा कि मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, वस्तु के बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास है कि टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg है पोजिशन वेक्टर्स आई केप प्लस 2 jk, आई केप प्लस 2 jk एंड माइनस 3 i केप माइनस 2 jk प्लस k केप रेस्पेक्टिवली। द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज ए पोजिशन वेक्टर, हमें सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि RCM वेक्टर जो होगा वो आपके पास होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो वैल्यूज पुट करते तो आपके पास है 1 × फर्स्ट 1 kg की पोजीशन वेक्टर है आई के प्लस 2 jk प्लस k केप, और सेकंड जो मास है आपका वो है 3 kg और इसके पोजीशन वेक्टर है माइनस 3 i केप माइनस 2 jk और प्लस k केप। अगर हम इसको डिवाइड करें 1 + 3 = 4 से, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आई केप माइनस 3 i केप माइनस 9 i केप माइनस 8 i केप डिवाइडेड बाई 4, फिर 2 jk और माइनस के 6 jk, तो माइनस के 4 jk डिवाइडेड बाई 4, और फिर देखें हम तो k केप और प्लस के 3, प्लस के 3 और प्लस का 1, 4 k केप डिवाइड बाई 4। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो आपके पास आता है माइनस 2 i केप माइनस j केप प्लस k केप, तो माइनस 2 i केप माइनस j केप प्लस k केप। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल आफ्टर फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 meters स्ट्राइक्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 3/4 द बॉल विल स्ट्राइक सेकेंड टाइम विद द प्लेन आफ्टर। तो हमें बताना है कि एक बॉल जिसे 4.9 meters की ऊंचाई से हमने ड्रॉप किया है वो एक सरफेस से स्ट्राइक करती है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 3/4 है तो वो कितने समय बाद वापस टकराएगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बॉल हमें स्ट्राइक कर रही है 4.9 meters से वो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रही है। तो हम जानते हैं कि वी इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 2, जी की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं 9.8 × 4.9। इसे सोल्व करने पर हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 9.8 meters per second, यानी इस वेलोसिटी से जो बॉल है वो ग्राउंड से क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जो होता है वो आपके पास होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए वी है जिससे वो रिबाउंड करेगी, और बिफोर जो है वो यू है। तो वी इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 3/4 × 9.8। क्लियर है, ये हमारे पास जो जिस वेलोसिटी से वापस बॉल रिबाउंड करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में वो वेलोसिटी आ गई है। अब हम जानते हैं कि अगर इस वेलोसिटी से हमने किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है तो वो
टोटल टाइम टी इज इक्वल्स टू टू यू बाई जी के बाद वापस ग्राउंड को क्या करती है, स्ट्राइक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 बाई 4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई जी, यानी 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट, 3/2। तो आफ्टर 3/2 सेकेंड्स एंड करेक्ट आंसर इज थर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें एक डायग्राम दिया गया है, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास यहाँ पे दो एल लेंथ की रोड्स हैं, ठीक है, जिनका सेम मास है। तो हम जानते हैं कि इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एल बाई 2.0, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0.L/2। तो पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स सी एम जो होगा वो हमारे पास होगा m इंटू एल बाई 2 प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2m। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है L/4। सिमिलरली अगर हम YCM फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास होगा m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2 डिवाइडेड बाई 2m। तो इसको भी जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है L/4। तो जो करेक्ट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास के वो हो जाएंगे L/4, L/4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द इज द लाइकली पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। कहा गया है कि चित्र में जो आपको प्रदर्शित डायग्राम है इसमें कौन सा बिंदु द्रव्यमान केंद्र हो सकता है। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा ज्यादा द्रव्यमान वितरण वाले क्षेत्र की ओर होता है। तो यहां पर ये होलो है और यहां एयर फील्ड है, जबकि यहां पर सेंड फील्ड है। तो हम जानते हैं कि सेंड की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ सेंड वो एयर से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इस एरिया का जो मास है वो इस एरिया की कंपेरेटिवली क्या होगा, ज्यादा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी एरिया में लाई करेगा और मोस्ट लाइकली जो एरिया होगा या पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट सी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉल ए कोलाइड्स विथ एन अनदर आइडेंटिकल बॉल टू एट रेस्ट एज शोन इन फिगर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल बिकम्स 3 times दैट ऑफ 1 आफ्टर कोलिजन। मतलब आपको जो वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले आपको बताया गया है कि बॉल ए कोलाइड्स विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल टू एट रेस्ट, मतलब आपके पास जो यू टू है हाँ भाई, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि बॉल वन कोलाइड्स विथ एन अनदर आइडेंटिकल बॉल टू एट रेस्ट एज शोन इन फिगर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई द वैल्यू ऑफ सेकेंड बॉल बिकम्स 3 times दैट ऑफ 1 आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियली अगर हम देखें तो यू टू जो है वो हमारे पास कितना है, 0 है, ठीक है। और हमें कहा गया है कि वी टू जो है वो कितना होना चाहिए, 3V1, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहां पे क्या होगा, जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो कोलिजन से पहले लीनियर मोमेंटम है आपके पास एम यू, और कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एम वी वन प्लस एम वी टू, यानी यू इज इक्वल्स टू आपके पास होगा वी वन प्लस वी टू। एक टर्म हमारे पास ही आ गई। दूसरा, हम जानते हैं कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वी टू माइनस वी वन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि हमारे पास कितना है, यू वन माइनस यू टू। इसकी वैल्यू हमारे पास यू है और यहां से यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वी वन प्लस वी टू। तो ई की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी टू माइनस वी वन अपॉन वी टू प्लस वी वन। अब हमें कहा गया है, कंडीशन हमारे पास ये है कि वी टू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3V1, वैल्यू पुट कर दें तो ई इज इक्वल्स टू
3V1 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3V1 प्लस V1। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो E की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। क्लियर है? इन वन डायमेंशनल कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड व्हेन कोलिजन इज इलास्टिक एंड मासेस आर अनइक्वल। इसमें कहा गया है कि दो कणों की एक विमीय टक्कर में वेग आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। कब? जब टक्कर प्रत्यास्थ है और द्रव्यमान समान है। टक्कर प्रत्यास्थ परंतु द्रव्यमान असमान है। तो देखो, हमेशा जो एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर होती है, वन डायमेंशनल कोलिजन ऑफ इक्वल मासेस, उसमें क्या होता है कि जो वेग है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। दूसरे के बारे में हम सर्टेनली कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वही करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो देखिए, हम जानते हैं कि नेट जो पुलिंग फोर्स है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है, दोनों पुलीज, दोनों जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक डाउनवर्ड ए से जाएगा, ये अपवर्ड ए से जाएगा, और ये कितना होगा? 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m इंटू जी। तो यहां से हमारे पास g की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? g/2। क्लियर है? अब अगर हम सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात करें तो acm जो होता है वो हमारे पास होता है a1 m1 प्लस a2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पे अगर हम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को नेगेटिव लें और अपवर्ड एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लें तो हमारे इस फॉर्मूले में वैल्यू क्या आ जाएगी? m g/2 माइनस 3m g/2 अपॉन 4m। दोनों को ऐड कर दे तो यहां से हमारे पास आएगा माइनस 2m g/2 अपॉन 4m। 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो माइनस g/4। और नेगेटिव हमने कौन सी डायरेक्शन को लिया है? डाउनवर्ड को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? g/4 डाउनवर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 200 ग्राम एंड 500 ग्राम पजेसेस वेलोसिटीज 10i मीटर पर सेकेंड एंड 3i+5j मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास इन मीटर पर सेकेंड इज। तो देखो, हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अगर हम यहां पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास देखो क्या होगा, 200 इंटू 10i प्लस 500 इंटू 3i प्लस 5j डिवाइडेड बाई है आपके पास 700। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 3500 i प्लस 2500 j डिवाइडेड बाई 7000। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 5i प्लस 25/7j। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? थर्ड रहेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लेमिना शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमें एक डायग्राम शो किया गया है जिसमें से हमने एक पार्ट कट कर लिया है, ठीक है? तो इस कंप्लीट डिस्क का द्रव्यमान जो है वो कितना है? m मान लेते हैं हम। हाँ भाई, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म लेमिना सोन इन द फिगर। लेमिना मतलब एक समतल आकृति है, और समतल आकृति अगर है तो हमारे पास क्या होगी? डिस्क होगी। तो अगर इसका मास कैपिटल m है तो जो काटा गया पार्ट है
जिसकी की रेडियस है a बाई टू, क्योंकि टोटल की रेडियस है a, तो यूनिट मास कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा कैपिटल एम अमोन पाई ए स्क्वायर, और जो हमने पार्ट कट किया है उसका एरिया कितना होगा ए स्क्वायर बाई फोर, पाई ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो यहां से जो मास आ जाएगा वो कितना आगा एम बाई फोर, ठीक है। अब अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट देखें तो वो यहां से कितने डिस्टेंस पे होंगे, टोटल ए है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ए बाई टू, और अगर हम इसका कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, वाई कोऑर्डिनेट के अबाउट तो सिमेट्रिक है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो ही रहेगा, एक्स सी एम कितना आ जाएगा आपके पास एम इंटू जीरो, क्यों, क्योंकि कंप्लीट लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहां पे है ओरिजिन पे, माइनस क्योंकि इसका जो मास है हमने कट किया है तो ये मास हम कैसा लेंगे नेगेटिव एम बाई फोर, सेंटर ऑफ मास इसका कहां है ए बाई टू पे, और जो टोटल मास है वो कितना है एम बाई एम माइनस एम बाई फोर। इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस एम ए अपॉन एट और थ्री एम अपॉन फोर, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ये टू टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो एक्स सी एम की वैल्यू आई है वो आई है माइनस ए बाई सिक्स, ठीक है। तो माइनस ए बाई सिक्स, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है सेकेंड, क्लियर है। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज, देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है E इज इक्वल्स टू जीरो होता है, E इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है जीरो, और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि E जो है वो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू टू माइनस यू वन या यू वन माइनस यू टू। हम कह सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए जो E की वैल्यू है वो क्या होती है जीरो, और E को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीन्स V2 माइनस V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2। इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो डेफिनेटली V2 माइनस V1 क्या होगा जीरो होगा, और इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि V2 माइनस V1 जो कि क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर इंपैक्ट, मतलब टक्कर के बाद की आपेक्षिक वेग है वो क्या हो गया है जीरो, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि आफ्टर इंपैक्ट इज जीरो, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, बॉल रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखिए अगर हम बात करें 20 सेंटीमीटर से ड्रॉप करने की तो जो इनिशियल एनर्जी होगी उसकी वो कितनी होगी एम जी एच वन, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में जब ये हाइट एच टू तक जा रही है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी एम जी एच टू, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना होगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो यू वन से डिवाइड कर दें एम जी एच वन, तो ये कितना आ गया आपके पास 10 माइनस 20 अपॉन 20, और परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो यहां से हमारे पास आता है माइनस 50%, और माइनस जो है वो यहां क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऊर्जा में क्या हो रही है हानि, लॉस हो रहा है एनर्जी में, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अ टॉर्क ऑफ 2 न्यूटन मीटर प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास है अल्फा की वैल्यू इन ए बॉडी इफ इट्स रेडिएशन ऑफ जायरेशन इज 2m, यानी k की वैल्यू है तो हमसे पूछा है कि मास क्या होगा, तो देखो हम जानते हैं कि टॉ जो है वो क्या होता है I अल्फा, ठीक है, टॉ जो है वो हमें दे रखा है 2 और एक्सेलरेशन दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स I जो है वो कितना हो जाएगा I जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर,
ठीक है, और हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्सिया को हम कैसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 और के की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो ये आ जाएगी 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/4 केजी। सो द राइट आंसर इज 1/4 केजी। क्लियर है? द एक्सिस एक्स एंड जेड इन द प्लेन ऑफ ए डिस्क आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक डिस्क है, इसके प्लेन में दो एक्सेस हैं, एक्स और जेड। ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये डिस्क के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन सी एक्स है, वाई। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एंड वाई एक्सेस इज रेस्पेक्टिवली 3 kgm² एंड 4 kgm², देन मोमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट जेड एक्सिस इज इन kgm² विल बी। ठीक है, तो हमें देखो क्या दे रखा है, यहां से अगर हम देखें तो आई जेड और आई एक्स एक ही प्लेन में है और इनके परपेंडिकुलर कौन है, वाई। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई वाई बराबर क्या होगा, आई जेड प्लस आई एक्स। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू है आपके पास एक्स की यानी आई एक्स है और ये वैल्यू है आपके पास आई वाई की। हमें चाहिए आई जेड, तो आई जेड जो है वो कितना होगा, आई वाई माइनस आई एक्स। आई वाई की वैल्यू कितनी है, 40 और एक्स की वैल्यू है 30, तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 10 kgm². सो द राइट आंसर इज 10 kgm². नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टू सॉलिड स्पेयर्स ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ एनी स्पेयर अबाउट इट्स डायमीटर इज आई। हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दो स्पेयर्स हैं, सॉलिड स्पेयर्स, ठीक है, और दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, इनके अपने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है वो कितना है, आई है। ठीक है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ बोथ द स्पेयर्स अबाउट द टेंजेंट एट दियर कॉमन पॉइंट। ये दोनों कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है और यहां से जो टेंजेंट पास होगी उसके अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा। तो देखो हम एक के लिए क्या कह सकते हैं, इससे आर डिस्टेंस पे है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम जानते हैं कि आई हमारे पास जो होता है वो कितना होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है 2/5 mr². अगर हम इसे आर शिफ्ट करें, मतलब एक के लिए यहां इसके अबाउट निकालना चाहें आई डेस, तो वो कितना होगा, आई डेस हमारे पास एक की वजह से होगा 2/5 mr² प्लस mr², दैट इज 7/5 mr². ये एक के लिए है, दोनों के लिए बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 7/5 mr². अब अगर हम इनको इंटरचेंज कर लें, 7 को यहां ले आए, 2 को यहां ले जाए, तो 7 2/5 mr² और ये हमें बताई रखा है कितना है आई, तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 7i। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ ऑफ 1.6 m इज पिवोटेड एट इट्स एंड एंड स्विंग्स फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोड जस्ट आफ्टर द रोड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हमें कहा गया है कि एक रोड है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होल्ड करके रखी हुई है, जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। तो देखो जैसे ही हम इसको यहां से रिलीज करेंगे तो जो इसका वेट है mg, वो इस पर एक टॉर्क जनरेट करेगा और टॉर्क जो है वो कितना होगा, mg
और ये परपेंडिकुलर जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, एल बाई टू। तो एम जी एल बाई टू टॉर्क होगा। अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो टो बराबर होता है आई अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी एल बाई टू इंटू आई। अब ये जो आई है वो किस एक्सिस के अबाउट होगा, इस एक्सिस के अबाउट, और जो कि क्या है, रोड के किसी एंड से पास होने वाली एक्सिस है। और इसकी वैल्यू जो है हम जानते हैं कितनी होती है, एम जी एल अपॉन टू, इसकी वैल्यू होती है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। अगर हम इसको सोल्व करें तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एम से एम कैंसिल आउट है, और थ्री जी अपॉन टू एल, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हमें एल की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है 1.6 मीटर। जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा कितना आ जाता है, थ्री जी अपॉन टू इंटू 1.6, ठीक है। 1.6 से अगर हम यहाँ रिमूव करें तो ये 30, ये टू टाइम्स, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 15 जी बाई 16, दैट इज फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 15 जी बाई 16। नेक्स्ट है, अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया 2 kg मीटर स्क्वायर, अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट एट द रेट ऑफ 60 rpm अबाउट दिस एक्सिस, द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन इन 1 मिनट वुड बी। तो देखो अभी हमारे पास इसकी जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा नॉट, वो है हमारे पास 60 rpm। अगर हम इसे चेंज करना चाहें किसमें, रेडियन पर सेकेंड में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाई 30 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2π, क्लियर है। ये इसकी इनिशियल रोटेशन है। अब आप इसको 1 मिनट में स्टॉप करना चाह रहे हो तो रिक्वायर्ड अल्फा क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हम कह सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा नॉट अपॉन टी, ओमेगा नॉट हमारे पास है 2π और टी है 60, मतलब 1 मिनट, 1 मिनट का मीन क्या हो गया, 60 सेकेंड्स। तो हमारे पास आ गया जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो है पाई बट्टे 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें गिवन है, ठीक है, तो टॉर्क कितना चाहिए, तो आई अल्फा, टॉर्क कितना होता है आई अल्फा, तो टो बराबर 2 इंटू पाई बाई 30, दैट इज पाई बाई 15 न्यूटन इंटू मीटर, क्लियर है। तो थर्ड आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाई 2t³, थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 2t³ - 6t² द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d θ/dt करना होगा, जहां से हमें मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है 6t² - 6t, यहां से हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है। हमें चाहिए टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो कब होगा, जब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के हम इसके लिए हम इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा 12t। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाई इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स टू
टू टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर, तो थीटा जो है हमारे पास वो कितना है, टू टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर। तो ओमेगा अगर हमें इसके लिए चाहिए तो वो कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी, जो कि कितना है, डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा सिक्स टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व टी। ठीक है, अगर एक बार फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा, और टॉर्क जीरो होने के लिए अल्फा को क्या होना होगा, जीरो। तो ये आ जाएगा ट्वेल्व टी माइनस ट्वेल्व, इसको जीरो करना है, फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर दीजिए, ट्वेल्व टी इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन सेकेंड। तो एक सेकेंड पर जो टॉर्क है यानी बलागुण है वो क्या हो जाएगा, पहिए पर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील ए हैज ए रेडियस 20 सेंटीमीटर, जो ए व्हील है उसकी रेडियस 20 है। क्वेश्चन है हमारे पास, ए व्हील ए हैज ए रेडियस 20 सेंटीमीटर कपल्ड बाय बेल्ट टू व्हील बी ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हील ए इंक्रीजेज इट्स एंगुलर स्पीड फ्रॉम रेस्ट एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3.14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये पाई की वैल्यू है, तो ठीक है। द टाइम फॉर व्हील बी टू रीच अ रोटेशनल स्पीड ऑफ 100 रिवोल्यूशन पर मिनट अज्यूमिंग दैट बेल्ट डज नॉट स्लिप। देखिए बेल्ट डज नॉट स्लिप, इस कंडीशन के लिए क्या होगा कि इनके ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, और इस कंडीशन में आपके पास वी ए, इनको मैं नाम दे रहा हूं वी ए, और ये वी बी, ये क्या होंगे, सेम होंगे। और इस कंडीशन में आप कह सकते हो ओमेगा इंटू आर ए बराबर होगा ओमेगा बी इंटू आर बी। ठीक है, हमें बी की वेलोसिटी चाहिए जो कि कितनी गिवन है हमें, 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो पहले तो हम इसको रेडियन पर सेकंड में बदल लें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई बाई 60 से या पाई बाई 30 से, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बाई मतलब 10 पाई बाई 3, मतलब बी की जो एंगुलर ओमेगा बी है वो हमें चाहिए कितना, 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हम रिलेशन देखें तो इस कंडीशन में ओमेगा ए कितना होगा, तो हमारा जो ये रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग ओमेगा ए जो है वो आपके पास होगा ओमेगा बी, जो कि कितना है, 10 पाई बाई 3 इंटू आर बी, आर बी हमारे पास है 30, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई आर ए जो कि है 20, तो ये हमारे पास सारा कैंसिल आउट होके ओमेगा ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। मतलब हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें ओमेगा ए की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इसके लिए देखिए हमें गिवन है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 3.14 या कह सकते हो पाई। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, ये वैल्यू हमें पता ही है जीरो है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो 5 पाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, पाई इंटू टी, तो टी बराबर कितने सेकंड आ जाएंगे, 5 पाई बाई पाई जो कि कितने हैं, 5 सेकंड। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, 5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रिंग्स ईच ऑफ मास पी, मतलब इनका जो मास है वो कितना है, पी है। 3 रिंग्स ईच ऑफ मास पी एंड रेडियस क्यू आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये जो वाई वाई डेज हैं वो इनके 1 और 2 के कहां से गुजर रही है, ये हमारे पास रिंग्स हैं, रिंग के डायमीटर हैं ये, तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो 2 के लिए तो ये हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए हमें क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, उसका यहां पे एम आर स्क्वायर बाई 2 है
इस एक्सिस के अबाउट, प्लस हमें इसको कितना शिफ्ट करना है, तो वो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच की वो कितनी है, एक की रेडियस क्यू है, तो ये रेडियस टोटल कितनी हो जाएगी, 2q। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये एंगल है आपके पास 60, तो 2q साइन 60। तो यहां से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां की वो कितनी आ जाएगी, √3q। ठीक है, √3q। अभी हमने इसको m और r के फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन हम इसको चेंज कर देंगे, यानी क्यू है तो अगर इसकी फॉर्म में लिखना चाहें तो m √3 r² ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म कितनी आती है, देखो यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mr² प्लस यहां पे हमारे पास 3 का स्क्वायर है, 3 का रूट 3 का स्क्वायर है, तो 3r² हो जाएगा, 3 प्लस हाफ 7/2 mr² आ जाएगा यहां पे। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आता है हमारे पास 9/2 mr², लेकिन यहां m की वैल्यू तो है p और r की वैल्यू है q, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9/2 pq². क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें एक थिन वायर ऑफ लेंथ l, एक l लेंथ का वायर है, ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, l, ठीक है, और मास m, इसको हमने एक सेमी सर्किल डायग्राम में जो शोन है उसके अकॉर्डिंग इसको बेंट किया है। तो देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है वो एक रिंग की तरह है, और रिंग की तरह अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, mr² / 2, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो एक कंप्लीट रिंग के डायमीटर की तरह है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जैसा रिंग में है वैसा ही सेमी सर्किल यानी सेमी रिंग में है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा mr² / 2। अब हमें ये r फाइंड आउट करना है, तो देखो हम जानते हैं कि ये जो सर्कमफेरेंस है इसकी वो होगी पाई r, क्योंकि कंप्लीट की 2πr होती है, ये सेमी सर्किल है तो इसकी पाई r होगी, और ये किसके इक्वल है, l के, मतलब r हमारे पास क्या आ जाएगा, l/π। ठीक है, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसका कितना बता रहे हैं, mr² / 2, तो m तो मास है, बाई 2, और r की वैल्यू हमने l की फॉर्म में कैलकुलेट कर ली है, l/π², तो आंसर हमारा आ जाएगा m l² / 2π², दैट इज द फोर्थ आंसर। अ फ्लाई व्हील रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू फ्रिक्शन एट द एक्सिस, इट एक्सपीरियंस एंगुलर रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ द वैल्यू व्हाइल इट मेक्स एन रिवोल्यूशंस, हाउ मेनी मोर रिवोल्यूशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से इस पर एक एंगुलर रिटार्डेशन एक्सपीरियंस कर रहा है ये, जो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो देखो एक्सेलरेशन को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये ωd ω/dθ की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, जो कि इसने किसके प्रोपोर्शनल बताया है, ओमेगा के ही प्रोपोर्शनल बताया है। इट मीन्स जो dω/dθ है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और हम इसको लिख सकते हैं dω = kd θ, ये कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है तो इसको इक्वल टू kd θ कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें चेंज की देखें तो अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ω = क्या आ जाएगा, k θ। तो अब देखिए जितने रिवोल्यूशन में हाफ हुई है, मतलब अगर हम बात करें कि ओमेगा से ω/2 तक इसको कितना चलना पड़ा है, थीटा, तो ओमेगा 2 से 0 तक भी इसको कितना रिवोल्यूशन करना होगा, थीटा, मतलब जितने रिवोल्यूशन इसने ओमेगा से ω/2 तक किए हैं उतने इसको ω/2 से 0 तक करने होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, n, क्योंकि इससे पहले भी n लगाए हैं, अब भी इसको कितने लगाने होंगे, n ही लगाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट is rotated with a uniform angular acceleration. The wheel rotates through an angle theta 1 in first 1
second and through an additional angle theta 2 in the next 1 second, the ratio theta 2 upon theta 1 is, ये हमें बताना है. तो देखो क्या कह रहा है, इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, और यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो इसको हम जिस तरह से हमारी लीनियर मोमेंट लीनियर मोशन में, या हम कह सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन में, गैलीलियो के रूल को हम यहां भी यूज कर सकते हैं. उसमें भी जब हमारे पास यू जीरो हो और ए हमारा कॉन्स्टेंट हो, तो जो एस वन यानी फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस, फिर एस टू, फिर एस थ्री, इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:3:5, सो ऑन टिल. तो इसी तरह से अगर हम बात करें एंगुलर मोशन की, और यहां पर अगर ओमेगा नॉट जीरो है और अल्फा हमारा कांस्टेंट है, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि थीटा इन फर्स्ट सेकंड रेशियो थीटा टू, यानी कि थीटा इन सेकंड सेकंड, मतलब सेकंड सेकंड में जो एंगल सबस्टेंड किया गया है या रोटेट किया गया है, उनका रेशियो क्या होगा, 1:3. तो फर्स्ट में अगर थीटा 1 है और सेकंड में थीटा 2 है, तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 कितना हो जाएगा, 3:1. तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3. सेम इसको हम हमारी जो लीनियर मोशन की एनालॉगी है, गैलीलियो का जो रूल है, उसी से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. रिंग है और इस तरह से है, तो इसके अबाउट इसका ओमेगा आई जो है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो हमें दे रखी है वो है ओमेगा. ठीक है. टू ब्लॉक्स Each of mass m are gently placed on the opposite ends of a diameter. हमने यहां पे दो small m mass के क्या रख दिए हैं, particles को एकदम धीरे से इन पे यहां पे रख दिया है, मतलब हमने कोई external force इन पे apply नहीं किया है. और अगर हमने कोई external force apply नहीं किया है, तो it means linear momentum जो है वो क्या रहेगा, constant रहेगा. और linear momentum अगर constant रहता है, it means I ओमेगा जो है वो होगा I डेस ओमेगा डेस के इक्वल. तो अब हमने जैसे ही यहां पे दो पार्टिकल्स पुट किए हैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो चेंज हो जाएगा. पहले I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर था, अब इनमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो I डेस हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस 2mr². ठीक है. तो अब हम ओमेगा और ओमेगा डेस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओमेगा डेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई ओमेगा, आई कितना है हमारे पास, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. ठीक है, हमें ओमेगा डेस अपॉन ओमेगा पूछा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे अपॉन आई डेस. आई डेस कितना है, एम प्लस 2m, और यहां से हम आर स्क्वायर को क्या ले सकते हैं बाहर, और फिर हमें इसको डिवाइड करना है, तो दोनों से ये डिवाइड, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिवाइड, कैंसिल आउट. तो ओमेगा डेस अपॉन ओमेगा हमारे पास कितना आ गया है, एम डिवाइडेड बाई एम प्लस 2m. सो द राइट आंसर इज फर्स्ट. एन इंक्लाइंड प्लेन मैक्स एन एंगल ऑफ 30° विथ हॉरिजॉन्टल. अ सॉलिड स्पेयर रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग हैज अ लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू. एक नत तल है जो 30° का कोण बनाता है, इस पर एक ठोस गोला विरामावस्था से बिना फिसले नीचे की ओर लौटनी गति करे, तो इसका रेखीय त्वरण कितना होगा. तो देखो रेखीय त्वरण के लिए हमारे पास एक जनरल सा सीधा सा फॉर्मूला है, जब हम इसको डेराइव करते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r². ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन जब कोई भी रिजिड बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग करती है विदाउट स्लिपिंग के, तो वहां पे हमें एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 30° का एंगल दिया है, और हम जानते हैं सॉलिड स्पेयर के लिए k² / r² की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 2/5. वैल्यू पुट करें तो a इज इक्वल्स टू जी साइन 30 की वैल्यू 1 + 2/7. तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास
कितना आ जाएगा, सॉरी 2 प्लस 2 बाई 7 नहीं 2 बाई, हाँ भाई 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ए सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग हैज अ लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू। देखिए जब भी कोई रिजिड बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग करती है विदाउट स्लिपिंग, तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन आता है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वो हमारे पास आता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं। हम जानते हैं कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो सॉलिड स्फीयर के लिए कितनी होती है 2/5, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो जी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन 1 प्लस 2/5। सोल्व करें इसको, तो सोल्व करने पे हमारे पास आएगा जी बाई 2 अपॉन 7/5, तो 5 जी अपॉन 7 × 2 = 14। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन आया है हमारे पास इस सॉलिड स्फीयर का वो कितना है 5g/14। नेक्स्ट है ए व्हील ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिम ऑफ मास एम। इस रिम का मास जो है हमारे पास वो कितना है, अ व्हील ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिम ऑफ मास एम। रिम का मास हमारे पास है एम, ठीक है, रेडियस जो है वो हमारे पास है आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ व्हील। इसमें हमारे पास 6 थिन स्पोक्स हैं जिनके मास भी एम है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो 6 स्पोक्स हैं इन सब का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हमारे व्हील का सेंटर ऑफ मास यानी ओ के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, एक रिम है, रिम यानी कि रिंग है, और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा एम आर स्क्वायर। और ये जितने भी स्पोक्स हैं 6 इन सब का अगर हम बात करें तो 6 तो ये हैं और एक तरह से ये एक रोड की तरह है और उसके एंड के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है। तो इसका मास तो एम है, रेडियस आर है यानी कि लेंथ आर है और एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3 2, तो ये आपके पास आ गया 3 एम आर स्क्वायर। ये आपने क्या फाइंड आउट किया है, आई नोट फाइंड आउट किया है। अब हम जानते हैं कि हमें किसके अबाउट निकालना है, ए के अबाउट। तो ए जो है वो इससे कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो आई ए जो होगा वो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से क्या कर सकते हैं, आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर होता है। तो आई नोट तो हमारे पास कितना है 3 एम आर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस एम कितना है 6 तो स्पोक है हमारे पास और एक हमारी रिंग है, तो टोटल मास कितना हो गया 7m, और कितनी डिस्टेंस पे हमें इसे शिफ्ट करना है r पे। तो 7 + 3 = 10 एम आर स्क्वायर। तो पॉइंट ए के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया है यानी जड़त्व आघूर्ण है वो कितना होगा 10 एम आर स्क्वायर, या हिंदी में थोड़ा आघूर्ण छपने से रह गया, पूछा आपसे गया है जड़त्व आघूर्ण ही। क्वेश्चन नंबर 30 है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल चेंजेस व्हेन। देखो जब भी अगर हम बात करें जिस तरह से हम न्यूटन की गति के सेकंड नियम की बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो किसी भी पार्टिकल का या किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कब चेंज होता है, जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। उसी तरह से किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए उस पर किसी ना किसी एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। सो द करेक्ट आंसर इज टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी, निकाय पर बल आघूर्ण कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर टू सर्कुलर लूप्स आर मेड पी ऑफ रेडियस आर
हमने एक सर्कुलर लूप बनाया है पी, इसकी रेडियस है हमारे पास आर, एंड क्यू ऑफ रेडियस एन आर, क्यू जो हमने बनाया है उसकी रेडियस है हमारे पास एन आर, ठीक है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ क्यू अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी अगर हम बात करें आईपी की, तो अगर इसका मास एम है तो ये एम आर स्क्वायर होगी और ये एम पी है, मास ऑफ पी, और आई क्यू जो है वो होगा एम क्यू इंटू रेडियस आर है तो एन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है एट टाइम्स डेट ऑफ पी, क्यू का जो है वो इसके एट टाइम्स है, तो पहले हम इन दोनों के मास का रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो रिंग है, रिंग का मास जो है वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो मास जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आपके आर के, तो हम क्या कह सकते हैं आई जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर क्यूब के, ठीक है। तो अब हम आई क्यू अपॉन आई पी की बात करें तो ये हमारे पास होगा आर क्यू अपॉन आर पी का क्यूब, और हमें ये दिया गया है कि आर एन जो है, आर क्यू जो है वो कितना है एन आर, मतलब दोनों में ये रिलेशन है। तो यहां पे आपके पास ये तो एट टाइम्स है, ये वैल्यू एट टाइम्स है, और ये है आपके पास एन आर अपॉन आर क्यूब, तो दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट ले लें तो एन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा टू, क्योंकि एट का क्यूब रूट कितना होगा टू, तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा सेकेंड रहेगा, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइव ब्रिक्स ईच ऑफ लेंथ एल एंड मास एम आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर फ्रॉम द वॉल, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द वॉल इज, हमें दीवार से इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की क्या बतानी है, स्थिति बतानी है। तो देखो इस ब्रिक्स का मास सबका सेम है, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर हम एक्स एक्सिस लें इस डायरेक्शन में तो एल बाई टू कोमा जीरो, अब ये इससे एल बाई टू डिस्टेंस आगे है इसके सेंटर ऑफ मास से, मतलब इसका एल बाई टू पार्ट आगे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आ गया है एल पे, एल कोमा जीरो, ये इससे एल बाई फोर आगे है तो इसका कितना हो जाएगा L प्लस एल बाई फोर, क्यों, क्योंकि यहां से कितनी आगे है L बाई फोर आगे, तो इसका L है और इसका सेंटर ऑफ मास इससे L बाई फोर आगे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 5L बाई फोर कॉमा जीरो, फिर से इसका L कॉमा जीरो और इसका L बाई टू कॉमा जीरो। अब हम इसमें सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं हमारा, XCM बराबर क्या होगा M L बाई टू प्लस एम एल प्लस एम फाइव एल बाई फोर प्लस एम एल प्लस एम एल बाई टू डिवाइडेड बाई कितने मास हैं फाइव फाइव एम, तो एक्सीएम हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, इनको ऐड करते हैं एम एल बाई टू एम एल बाई टू एम एल, तो 3 ml प्लस 5 ml by 4 डिवाइडेड by 5 m, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 17 ml अपॉन 20 m, m से m कैंसिल आउट, तो XCM की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 17 l बाई 20, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 17 l बाई 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड स्पेयर हैविंग मास कैपिटल m एंड रेडियस स्मॉल r रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, कैपिटल एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का ठोस गोला एक नत तल पर लुढ़कता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसमें हमें घूर्णन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरण गतिज ऊर्जा यानी कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट बताना है। तो देखो हमारे पास सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो के
ट्रांसलेटरी जो होती है वो होती है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, ये प्योर रोलिंग के लिए है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए। के रोटेशनल वो हमारे पास होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और फिर यहां पे आ जाता है के ट्रांसलेटरी। ठीक है, ट्रांसलेट लिख रहा हूं मैं इसको, और एक आएगी हमारे पास टोटल। के टोटल जो है वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल होता है। ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वही यहां पे आ जाएगा आपके पास के ट्रांसलेटरी। तो हमसे पूछा गया है कि कितना पार्ट इसका घूर्णन ऊर्जा के रूप में है, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में है, और कितना ट्रांसलेटरी के फॉर्म में है। तो देखो यहां से हम क्या ले ले, अगर हमें चाहिए के टी, के ट्रांस मतलब स्थानांतरण, तो इसको डिवाइड कर दें के टोटल से, तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास के ट्रांसलेटरी अपॉन, इसकी हम बात करें के टोटल की, तो के ट्रांसलेटरी है और के टी है आपके पास वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें ट्रांसलेटरी चाहिए तो इसका पार्ट आ जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू अगर आप पुट करें तो सॉलिड स्पेयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, 2/5। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है, 2/5। तो वैल्यू पुट करें तो ये कितना आएगा, 1/1 + 2/5। इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है 5/7। तो इट मीन्स जो ट्रांसलेटिंग एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5/7। और रिमेनिंग अगर हम बात करें के रोटेशनल की, तो वो कितनी होती है, के स्क्वायर, मतलब अगर हम बात करें टोटल की फॉर्म में तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, ये रेशियो रहेगा के रोटेशनल का के टोटल से। तो यहां से अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 2/5 अपॉन 1 + 2/5, तो ये वैल्यू आती है आपके पास 2/7। इट मीन्स जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका 2/7 पार्ट तो रोटेशनल होगा और 5/7 पार्ट ट्रांसलेशनल होगा सॉलिड स्पेयर के लिए, जो कि क्या कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट है, अ रॉड पीक्यू ऑफ लेंथ एल रिवॉल्व्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड इज ओमेगा, इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड एंड रो बी इट्स डेंसिटी, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज। ये हमें कह रहा है कि हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, और ये अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट। तो हम जानते हैं कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है के आर, वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। तो आई हम जानते हैं कितना होता है, एम, एम कितना होगा, इसकी डेंसिटी अगर रो है तो एम होता है रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल, तो ये तो आ गया मास, और आई होता है आपके पास एल स्क्वायर बाई, अगर इस एक्सिस के अबाउट बात करें तो 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारे पास, हाफ रो ए एल एल स्क्वायर यानी एल क्यूब, तो ये आपके पास आ गया रो ए एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 × 2 = 24। तो ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है कि ए रॉड पीक्यू ऑफ लेंथ कैपिटल एल रिवॉल्व्स इन है हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज ओमेगा, इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड एंड रो बी इट्स डेंसिटी, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज। हमारे पास कोई एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, और एरिया जो है वो कितना है, ए, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमें इसका क्या बताना है, काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
हम जानते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है के आर यानी के रोटेशनल वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब हमें इसका क्या क्या कैलकुलेट करना है, आई तो हाफ आई हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस के एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, तो एम कितना हो जाएगा, डेंसिटी रो है तो रो ए एल ये हो गया मास और एल स्क्वायर बाई 12 ये इसका हो गया लीनियर मोमेंटम और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसको सोल्व करते हैं तो रो ए एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 24। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 1 बाई 24 कैपिटल ए एल क्यूब रो ओमेगा स्क्वायर। सो द थर्ड आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट है अ सॉलिड स्फीयर अ डिस्क एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑल ऑफ सेम मास एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल आर अलाउड टू रोल डाउन फ्रॉम रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देन। तो देखिए अगर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग की बात करें तो जो टाइम होता है, मतलब यहां पे हमें सबसे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखें तो हमें यही पूछा गया है कि कौन सा जो इनमें से रिजिड बॉडी है वो सबसे पहले बॉटम पे पहुंचेगी। तो इसके लिए देखो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मास और सेम मटेरियल, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रेडियस का कोई मैटर होगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, एम कहीं आ नहीं रहा है, तो आप कह सकते हो कि रेडियस का कोई मैटर करेगा, लेकिन नहीं, जो भी रिजिड बॉडी होती है उनके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ए सॉलिड स्फीयर वो कितना आएगा आपके पास, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 बाई 5, तो यहां से आपके पास ये कितना आ जाएगा 5 बाई 7 जी साइन थीटा। अगर हम बात करें डिस्क की तो डिस्क के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है हाफ, तो ए डिस्क ये आपके पास क्या हो जाएगी जी साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस, तो ये आपके पास हो जाएगी 2 बाई 3। और अगर हम बात करें सॉलिड सिलेंडर की तो वो भी सेम रहेगा, तो यहां से अगर हम देखें तो 5 बाई 7 ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.7% के लगभग होता है, 0.71% और ये है 0.66। तो अगर हम यहां पे कंपेयर करें तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है और जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है वही बॉटम पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो सॉलिड स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4R टू स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R आर कट ऑफ एज शोन इन फिगर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर विल बी। तो देखिए हमारे पास यहां पर एक 4R त्रिज्या की एक वृत्ताकार चकती है जिसका द्रव्यमान अगर हम m माने, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है वो हम मान लेते हैं हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास कि फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4R टू स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R आर कट ऑफ एज सोन इन फिगर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर विल बी। तो देखिए इनिशियली जब हमारे पास एक कैपिटल 4R रेडियस की जो सर्कुलर डिस्क है उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कितना है m, द्रव्यमान जो है हमारे पास वो कितना है m है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें से स्मॉल r रेडियस की कोई डिस्क कट करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होगा हमारे पास m डेस वो कितना हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि कैपिटल 4R जो रेडियस है उसकी डिस्क का मास है m, तो ये आपके पास होगा यूनिट
एरिया का मास कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया का जो मास है वो कितना हो जाएगा। हाँ भाई, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4R टू स्मॉल डिस्क ऑफ R रेडियस आर कट ऑफ एज शोन इन फिगर। हमने क्या किया है, एक कैपिटल M द्रव्यमान हम इसका मान लेते हैं, इसकी एक चकती है जिसमें से हमने चित्रानुसार दो स्मॉल R रेडियस की चकतियों को, सॉरी कैपिटल R रेडियस की दो चकतियां हैं जिसको हमने 4R रेडियस वाली चकती में से कट किया है चित्र में जैसे प्रदर्शित है उसके अनुसार। तो देखिए जो मास है इसका मान लीजिए कैपिटल M है, तो यूनिट एरिया का जो मास हो जाएगा वो कितना होगा, M अपॉन पाई 4R स्क्वायर। अब हम अगर स्मॉल m वाली का मास निकालना चाहें इसका, तो ये कितना होगा, इसका एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m अपॉन 16 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट है, तो ये जो दो स्मॉल m मास हैं, जो दो चकतियां हैं हमारे पास कैपिटल R रेडियस वाली, इन दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m बाई 16। अब हमने इनको कट किया है, तो जब हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू को हम लेंगे नेगेटिव। तो सबसे पहले हम एक्सीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एक्सीएम जो होगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इनिशियली जब हमारे पास कैपिटल M मास की जो चकती है उसका सेंटर ऑफ मास हम ले रहे हैं ओरिजिन पे, तो उसका x कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। फिर इसका ये जो रेडियस है वो यहाँ से देखो कितनी डिस्टेंस पे है ये चकती, 3R पे, क्योंकि टोटल 4R है उसमें से R इसकी रेडियस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, 3R पर। इसका मास है हमारे पास m बाई 16 और डिस्टेंस है इसकी 3R, और ये y एक्सिस पे है, तो इसका जो x कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, मास इसका भी m बाई 16 है और x कंपोनेंट इसका कितना है, जीरो, डिवाइडेड बाई m माइनस m बाई 16 और माइनस m बाई 16। तो इस तरह से हमारे पास जो XCM की वैल्यू आती है वो कितनी है, माइनस 3MR डिवाइडेड बाई 16, और यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, मतलब डिवाइड में आ जाएगा m माइनस m बाई 8। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 3R अपॉन 14। ठीक है, अब ये x कंपोनेंट है इसलिए इसके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा आई के। ठीक है, सिमिलरली जब हम कैलकुलेट करेंगे y एक्सिस के लिए तब भी वैल्यू यही आएगी क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड। एक तो इसका ये मेथड है कंप्लीट, दूसरा हम देख सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर हमने पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पे कोई मास कट किया है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो नेगेटिव y x और नेगेटिव x x की तरफ शिफ्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम देखें तो हमारे पास केवल एक ही आंसर है और वो है हमारा थर्ड। तो इससे हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और पूरा जो प्रोसीजर है वो सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का जो हमारा मेथड है उससे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि ऑन ए फ्रिक्शन लेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग विद स्पीड यू कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास कैपिटल एम विच इज एट रेस्ट। इनिशियली ये रेस्ट में है, ठीक है, और ये इससे कोलाइड करता है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स, कोलिजन के बाद जो पहला ब्लॉक है वो थीटा एंगल पे मूव कर रहा है और सेकेंड जो ब्लॉक है वो फाई एंगल पे मूव कर रहा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन इन फिगर देन। तो हमें बताना है कि दोनों एंगल में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास जो इस तरह के एक एनसीईआरटी का एक सीधा एग्जांपल है ये वैसे देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि आफ्टर अगर हमारी ऑब्लिक कोलिजन है तो इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन के बाद अगर कोई सेकेंड रेस्ट मास से स्ट्राइक करता है तो आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो उससे डायरेक्ट आंसर जो है हमारा वो क्या आ जाता है, थर्ड आ जाता है। एक हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें और एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, उससे हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशन से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। बिफोर कोलिजन इसके
अब हम देखते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी अगर v2 है तो इनके कंपोनेंट आएंगे। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v1 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा v2 साइन फाई। इसी तरह से यहां पर v1 कॉस थीटा और v2 कॉस फाई, इसके क्या आएंगे, कंपोनेंट आएंगे। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देखें x डायरेक्शन में, तो ये कितना होगा, mu इक्वल्स टू m v1 cos थीटा प्लस m v2 cos phi। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन m दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, u इज इक्वल्स टू आ जाएगा v1 cos थीटा प्लस v2 cos phi। सेकेंड अगर हम देखें तो बिफोर कोलिजन y डायरेक्शन में किसी तरह का मोमेंटम नहीं है, तो यहां पे y डायरेक्शन में जीरो रहेगा इनिशियली। आफ्टर कोलिजन पॉजिटिव y डायरेक्शन में हमारे पास है m v1 साइन थीटा और माइनस m v2 साइन फाई। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी, साइन थीटा v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई। ठीक है, अब ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी तरह से अगर हम बात करें एनर्जी कंजर्वेशन की, तो बिफोर कोलिजन जो एनर्जी है वो है हाफ एम यू स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी है वो है हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ जाती है, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो अब इन तीनों इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। पहले हम दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है हमारी है, इनको हम स्क्वायर करके क्या कर दें, ऐड। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी कुछ इस तरह से, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2v1 v2 cos थीटा cos phi प्लस v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi माइनस 2v1 v2 sin थीटा sin phi। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स जीरो वन हो जाएंगी। फिर हमारे थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम इनको जीरो कर सकते हैं दोनों तरफ, और हमारे पास जो ये जो टर्म्स हैं 2v1 cos थीटा cos फाई और 2v1 sin थीटा sin फाई, इनको अगर हम देखें तो ये 2v1 v2 sin थीटा sin फाई cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस फाई। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ जाता है, जीरो। और ये जीरो कब पॉसिबल है, v1 v2 आफ्टर कोलिजन दोनों की वैल्यू है तो ये जीरो हो नहीं सकती। ये जीरो कभी तभी हो सकती है जब ये हेड ऑन कोलिजन हो, और हेड ऑन कोलिजन हमारी है नहीं, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि cos थीटा प्लस फाई की वैल्यू जीरो हो, और वो केवल तभी पॉसिबल है जब cos थीटा थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी यू एट द मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम हाइट इट ब्रेक्स डाउन इन टू इक्वल पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट रिट्रेसेस इट्स पाथ, देन फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेन बोथ द पार्टिकल्स रीच द ग्राउंड। कुछ इस तरह की कंडीशन है कि हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है, तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जो है वो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाता है, यानी अपने पाथ को रिट्रेस करता है, वापस जहां से हमने प्रोजेक्ट किया था वहीं आ जाएगा। दूसरा जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो हमें बताना है कि जब ये दोनों पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किस डिस्टेंस पे होगा। तो देखो बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से हम क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज कहां होगा, कैपिटल आर डिस्टेंस पे होगा। क्यों, क्योंकि
सेंटर ऑफ मास पे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, और सेंटर ऑफ मास पे अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो वो अपनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा, और फाइनली जब ये दोनों पार्ट जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज पे ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की यही डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, ये एक्सप्लॉइड हुआ है, यानी इंटरनल फोर्स है, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा ही कहाँ रहेगा, कैपिटल आर डिस्टेंस पे ही रहेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, कैपिटल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ओ इज द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब हमें इस सेंटर के अबाउट टॉर्क को जीरो रखना है। इस पे तीन फोर्स लग रहे हैं, ए बी के अलोंग है एफ वन, BC के अलोंग है F2 और AC के अलोंग है F3। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में शोन है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 सो दैट द टोटल टॉर्क अबाउट O इज जीरो। तो देखो, ये डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर R है, ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर R है, और ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर R है। तो यहां से अगर हम देखें तो O के अबाउट F जो है वो इसको इस तरफ मूव करवाना चाहेगा। ठीक है, तो इसके मोमेंटम को अगर हम लें तो ये होगा हमारे पास F1 इंटू आर। एफ टू भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाह रहा है, तो ये भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एफ टू इंटू आर। और एफ थ्री जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके टॉर्क की वैल्यू होगी नेगेटिव, और ये टोटल टॉर्क जो है ओ के अबाउट क्या होना चाहिए, जीरो। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ थ्री इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू। So our right answer is third. Next question है हमारे पास, a particle of mass small m is equals to 5 kg. एक particle है जिसका mass हमारे पास 5 kg है और speed जो है वो 3 root 2 meter per second है, और ये xy plane में y is equals to x plus 4 line के along move कर रहा है। The magnitude of the angular momentum of the particle about the origin is x and y are in मीटर। एक्स और वाई जो है वो हमें किस में दिए गए हैं, मीटर में दिए गए हैं। तो देखो, अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो पार्टिकल हैं वो एक्स वाई प्लेन में वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो यहां अगर हम देखें तो इस लाइन का जो स्लोप है वो है वन और इंटरसेप्ट जो है फोर है, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एम मास का पार्टिकल है और वी वेलोसिटी, यानी इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, एम वी। अब यहां पे ये डिस्टेंस जो है वो 4 है और ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो अगर हमें ओरिजिन के अबाउट इसका लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो ये जो लेंथ है एल वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है, तो यहां से अगर हम देखें तो हमें चाहिए L इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, यहां से अगर डायग्राम से देखें हम तो ये 4 है और ये L चाहिए, एंगल है 45, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 साइन 45, यानी L जो है हमारा वो हो जाएगा 4 बाई रूट टू मीटर, क्योंकि x और y हमें किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। अब हम जानते हैं ये लेंथ है, यहां पे लीनियर मोमेंटम नहीं है, स्मॉल L लेते हैं इसको, क्योंकि कैपिटल L से हम लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा L वो होगा एम वी इंटू स्मॉल L, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। M हमें गिवन है कितना, 5 के जी, वेलोसिटी जो गिवन है वो है 3 रूट टू, और लेंथ जो है हमारी वो है 4 बाई रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो गया और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 60 के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो आवर राइट आंसर इज फर्स्ट। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 2% ऑफ मासेस 55 के जी एंड 65 के जी रेस्पेक्टिवली आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ अ बोट, द लेंथ ऑफ बोट इज 3 मीटर एंड वेट 100 के जी, द मैन ऑफ 55 के जी वॉक्स अप टू the 65 kg man and sits with him. If the boat is in still water, the center of mass of system shifts by. तो देखिए, जो motion हो रही है
वो बोट की ही हो रही है केवल, मतलब आपने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसी के जो पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, दोनों जो पर्संस हैं वो इसी के पार्ट हैं और वही मूव कर रहे हैं अंदर, तो आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। और हम कह सकते हैं इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, कि यदि बाह्य बल जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की कोई मोशन नहीं होगी और सेंटर ऑफ मास जो है अपनी पोजिशन पे ही रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स बाई जीरो, कोई विस्थापन सेंटर ऑफ मास का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इन एक्स वाई प्लेन मूव विद अ वेलोसिटी यू अलोंग स्ट्रेट लाइन एपी। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजन इज एल ए एंड एल बी करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा इसके मास, वेलोसिटी और ओरिजिन से इसके मोशन की जो डायरेक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो दोनों पॉइंट्स के लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, मास सेम है, वेलोसिटी सेम है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दोनों पॉइंट्स के लिए क्या है, सेम है। तो दोनों ही पोजिशन में लीनियर मोमेंटम जो है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो है इन पार्टी इस पार्टिकल का ए और बी पर क्या रहेगा, सेम। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सेकेंड। द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज आई नॉट। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज। देखो, जो आई नॉट हमें गिवन है वो गिवन है हमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, और वो हम जानते हैं कि एम मास और एल लेंथ की अगर रोड है तो वो होता है हमारे पास एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एंड। हम जानते हैं कि अगर ये रोड है तो सेंटर ऑफ एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, जिसको हमने कितना बता रखा है, आई नोट। और हमसे पूछा गया है कि यहां तो इसके अबाउट हम जानते हैं कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो अगर हम इसे आई नोट की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो एम एल स्क्वायर बाई 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, डिवाइड कर दें 4 से, तो 4 एम एल स्क्वायर 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, और इसको हम क्या कह रहे हैं, आई नोट। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो कितना हो जाएगा, 4 आई नॉट। सो आवर राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44 है, थिन रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड मास कैपिटल एम इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट इनटू टू हाफ्स। कहा जा रहा है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, मास कैपिटल एम है, उसको हमने इसके मिड पॉइंट से इस प्रकार मोड़ दिया है कि इसके बीच का जो कोण है, मतलब इस तरह से हमने मोड़ दिया है इसको। हमने इस रोड को कुछ, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अ थिन रोड ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड मास कैपिटल एम इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट इनटू टू हाफ्स सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ बेंट रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाई द टू हाफ्स। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि कैपिटल एम द्रव्यमान और एल लंबाई की एक छड़ है जिसको हमने मोड़ा है कुछ इस तरह से, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इस पार्ट का मास जो है वो हो गया एम बाई 2, ठीक है, और लेंथ हो गई एल बाई 2। अब हमसे ये कह रहा है कि एक एक्सिस है जो इस इन दोनों को कंबाइन करने वाले प्लेन से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के अबाउट। तो इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, अब दो रोड हैं तो ट्वाइस होगा, एक का मास एम बाई 2, लेंथ एल बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये होता है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एम
टू से टू कैंसिल आउट, एम एल स्क्वायर बाई फोर इंटू थ्री, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकेंड, एम एल स्क्वायर बाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम सिचुएटेड एट द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड स्मॉल एल, ठीक है, एज शोन इन फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन ए एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इन द प्लेन ऑफ ए बी सी, इसी के प्लेन में है। तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड आउट करना है इस सिस्टम का। तो देखो, इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए x है, इसकी डिस्टेंस हमें पता ही है l है, और ये इस मास की डिस्टेंस कितनी है, जीरो, ठीक है। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ i a x, ये कितना होगा, सबसे पहले देखें तो m इंटू जीरो स्क्वायर प्लस m इंटू l स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं ये x कितना होगा। तो देखिए, ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 होगा। ये लेंथ l है, तो ये होगा आपके पास l cos 60, और l cos 60 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, l रूट थ्री बाई टू। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री एल बाई टू। तो ये तो आ गया आपके पास एम एल स्क्वायर क्योंकि ये जीरो है, प्लस एम थ्री एल स्क्वायर बाई फोर, थ्री एल स्क्वायर बाई फोर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। डायग्राम में शोन है थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम, एम एम मास के हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं जो ए बी और सी पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड आउट करना है ए एक्स एक्सिस के अबाउट, जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है और इसके प्लेन में ही लाई करती है। तो इसके लिए देखो, हमारा जो लीनियर मोमेंटम होगा, सॉरी एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा, उसके लिए ये डिस्टेंस x है, ये l है, और इसके लिए जीरो होगी। तो i, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए एक्स, और इसका मान होगा m, पहले की डिस्टेंस है जीरो, तो m इंटू जीरो स्क्वायर प्लस m इंटू एल स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यहां से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये जो डिस्टेंस है x वो कितनी हो जाएगी, l cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा l बाई टू। वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी m l स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर बाई फोर, दोनों को ऐड करें तो वैल्यू आती है 5 m l स्क्वायर बाई फोर। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया की राइट वैल्यू है वो हमारा ऑप्शन रहेगा थर्ड, ठीक है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर अबाउट अ टेंजेंट टू इट्स रिम इन इट्स प्लेन इज, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ डिस्क, बात की जा रही है यहाँ पे डिस्क की। तो डिस्क का मास हमें दिया हुआ है एम, रेडियस दी हुई है आर। तो अगर हम डायग्राम शो करें तो ये एम मास और आर रेडियस की डिस्क है, इसके प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम जानते हैं कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई फोर, और हमसे पूछा गया है टेंजेंट। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी है, आर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा, आई डेस इज इक्वल्स टू आई नोट, जो कि कितना है, एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को एड करें तो ये वैल्यू आती है आपके पास 5 बाई फोर एम आर स्क्वायर, और आंसर है हमारा फोर्थ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A circular disk of moment of inertia I1 is rotating in a horizontal plane about its axis with constant angular speed omega naught. I1 इसका moment of inertia है. Another disk of moment of inertia I2 is dropped coaxially on the rotating disk. हमने इस पे एक rotating disk पे एक दूसरी I2 moment of inertia की disk को drop किया है. Initially the second disk has zero angular speed. Eventually, both the disc rotates with an constant angular speed omega f. The energy lost by first disc due to friction is. तो देखो, इस प्रोसेस में आपने कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया है, तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा. ठीक है, इससे हम जो दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल के बीच में. और इसी को अगर हम को रिलेट करें, क्योंकि इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो है एंगुलर जो स्पीड है वो जीरो है, फाइनली दोनों साथ में मूव कर रही हैं, तो इसको हम एज ए इन इलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर की तरह भी देख सकते हैं. और अप्रत्यास्थ टक्कर में जो एनर्जी लॉस होता है डेल्टा ई, वो हमारे पास होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज u1 माइनस u2 के डिफरेंस का स्क्वायर होता है. तो अगर हम इसी को मोमेंट ऑफ इनर्सिया और रोटेशनल मोशन के साथ को रिलेट करें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉस्ट होगा एनर्जी में वो होगा डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ i1 i2 अपॉन i1 प्लस i2. इनिशियली एक रेस्ट में है और एक की जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट माइनस जीरो स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास जो राइट आंसर आता है वो है हमारा फोर्थ. तो इसको हम एज ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, तो एनर्जी लॉस जो है वो दोनों में क्या हो जाता है, सेम. दूसरा, हम इसको अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से करें तो भी एक लंबा सा प्रोसेस है पूरा कैलकुलेट करने का. और सीधा अगर हम इस एनालॉजी से देखें तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 है, अ व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड. द एंगल इन रेडियन रोटेटेड बाय द व्हील इज व्हील इन 2 सेकंड. ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, ओमेगा नॉट गिवन है और टी गिवन है. ठीक है, तो हम जानते हैं कि थीटा, अगर हम इसकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू जो है ओमेगा नोट की वो है 2 इंटू 2 सेकेंड है, तो 2 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 10 रेडियन. So the angle rotated by the wheel in 2 seconds is 10 radian. Clear? Next question hai hamare paas. Two bodies having moment of inertia about their axis of rotation are I and 2I. Respectively have same kinetic energy of rotation. The ratio of their angular momenta will be. ठीक है, तो देखो जिस तरह से हम देखते हैं linear motion में k इज इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर बाई 2m, उसी तरह से हम रोटेशनल मोशन में कह सकते हैं कि k रोटेशनल इक्वल्स टू l स्क्वायर बाई 2m. ठीक है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, सॉरी यहां पे हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा 2 I. ठीक है, के आर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 2I. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें एंगुलर मोमेंटम का रेशियो देखना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट I, क्योंकि K सेम है, K रोटेशन सेम है, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा. तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट I1 अपॉन
आई टू, और ये है हमारे पास आई अपॉन टू आई, जिसको हम लिख सकते हैं 1:√2. सो द करेक्ट आंसर इज 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के. रेडियस ऑफ जायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या हमें दी गई है, गेंद की त्रिज्या दी गई है आर, देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशनल एनर्जी विल बी. तो कितना अंश घूर्णन ऊर्जा के रूप में होगा, मतलब हमें बताना है कि के आर, के रोटेशनल अपॉन के टोटल, ये हमें बताना है. तो हम जानते हैं के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल जो है उसका पार्ट होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, और टोटल जो है वो होती है 1+k² अपॉन आर स्क्वायर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा, k रोटेशनल अपॉन k टोटल, वो कितना रहेगा k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको अगर हम ऐड करें तो k स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, k स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ बाइसिकल इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज वी सी एम, देन ट्रू स्टेटमेंट इज. तो देखो जब भी प्योर रोलिंग होती है तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो होती है वी सी एम माइनस आर ओमेगा, ये होती है, और ये कितनी होती है 0. इट मींस आर ओमेगा जो है वो कितना होगा वी सी एम. अब जो पॉइंट्स हैं यहां पर अगर हम देखें तो 0 हो ही गई है, मतलब बिंदु जो पॉइंट बी है उसकी वेलोसिटी तो क्या रहेगी 0. ए की अगर हम बात करें तो यहां पर इसकी वेलोसिटी होती है वी सी एम प्लस आर ओमेगा, और आर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास वी सी एम है, तो वी सी एम प्लस वी सी एम कितना हो जाएगा 2 VCM. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, वी ए हमारे पास है 2 VCM प्लस और वी बी है 0, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा फर्स्ट. एन इंजन व्हील मैक्स 90 RPM देन इट्स एंगुलर स्पीड इज, सीधा सा है आरपीएम को हमें रेडियन पर, मतलब रेडियन पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि 1 RPM जो होता है उसको हम लिख सकते हैं एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है 2π, और मिनट जो होते हैं वो होते हैं 60, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 RPM होता है π/30 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो हमें एंगुलर स्पीड 90 RPM की बतानी है, तो 90 RPM को कैसे गुणा कर दें, 90 RPM को हम π/30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3π रेडियन पर सेकेंड, द सेकेंड आंसर इज करेक्ट. अ रिजिड बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हैज 50% पार्ट ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये हमारे पास होता है के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 50%. 50% का मतलब है हाफ, क्यों, क्योंकि 50% को अगर आप देखना चाहें तो अगर एक बार हमें यहां से देखते हैं तो 50% by 100% को हम रेशनल में चेंज करें या फ्रैक्शन में चेंज करें तो 50/100 यानी कि हाफ, और अगर अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2k² इज इक्वल्स टू है k² प्लस आर स्क्वायर, और k² से k² कैंसिल, तो k² इज इक्वल्स टू है आर स्क्वायर.
ठीक है, और ये वैल्यू या आप कह सकते हो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1। ये जो होती है हमारे पास, ये होती है एक तो जो हमारी सर्कुलर रिंग के लिए और एक होती है ये होलो सिलेंडर के लिए। तो ऑप्शन में हमारे पास सर्कुलर रिंग तो है नहीं, होलो सिलेंडर है। तो ये जो रिजिड बॉडी होगी जिसकी 50% काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है वो होगा होलो सिलेंडर, खोखला, बेलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम हाइट बट ऑफ डिफरेंट इंक्लिनेशन। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो देखो क्या कह रहा है, इसमें हमें एक तो टाइम ऑफ डिसेंट की बात करनी है और दूसरा स्पीड विथ इट रीच टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने वाली स्पीड की बात करनी है हमें, और दूसरा कितने टाइम में ये ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो इन दोनों के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए सॉलिड स्फीयर है तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर सेम होगा और h पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों ही पोजीशंस में है, दोनों ही कंडीशंस में जो है वो h की वैल्यू सेम है, मतलब स्पीड जिससे ये ग्राउंड पे पहुंचेगा वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है। और दूसरा हमने पूछा है कि t, t के लिए हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h अपॉन g 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये वो टाइम है जिसमें ये जो सॉलिड स्फीयर या कोई भी रिजिड बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे पहुंच जाती है। तो यहां देखिए इसमें जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो इंक्लूड हो रहा है, और इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो डिफरेंट होगा और स्पीड जो है वो सेम होगी। इन बोथ केसेस द स्पीड एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी सेम। रॉन्ग है, द स्पीड विल बी सेम बट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट। देखिए स्पीड हमारे पास दोनों केसेस में सेम आ रही है, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों केसेस में है, सॉरी स्पीड सेम आ रही है, टाइम ऑफ डिसेंट डिफरेंट आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सेकेंड। द स्पीड ऑफ ए होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग इज। तो इसके लिए देखो हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला है, वैसे हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास सीधा फॉर्मूला जो लगभग सभी बच्चों ने याद कर रखा होता है या फिर उनको डिराइव करवाया हुआ होता है, वो होता है आपके पास अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो है सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है 2/5। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh 1 प्लस 2/5, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 10gh अपॉन 7। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, के ट्रांस जो है वो हमें पूछा है टोटल काइनेटिक एनर्जी से। तो के ट्रांस हमारे पास होता है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। अगर हम बात करें के टोटल की, तो के टोटल जो होता है वो होता है हमारे पास 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो के ट्रांस अपॉन के टोटल हमारे पास कितना रह जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की 2/5 होती है। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2/5, तो रेशियो इज 5/7। सो द राइट आंसर इज फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 57 है, द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन गिवन एक्सिस इज 1.2 केजी मीटर स्क्वायर। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें गिवन है, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, एक्सेलरेशन गिवन है। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमें गिवन है कि इतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। तो हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि के इज इक्वल्स टू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, 2k अपॉन आई, और ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट में, 2 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 1.2। इनको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 1.2 0.6 ये हो गया, और इससे डिवाइड करते हैं तो याद है 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू। और ये हमें चाहिए, इनिशियली जीरो है, रेस्ट में है, तो ओमेगा नोट जो है वो हमारा क्या हो गया, जीरो। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, अल्फा हमें गिवन है और ये है 50, तो 50 इज इक्वल्स टू 25 इंटू टी, तो टी कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 25, और द राइट आंसर इज 2 सेकेंड। तो हमें ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 2 सेकेंड के लिए क्या करना होगा, इस बॉडी पे अप्लाई करना होगा, जिससे कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, 1500 जूल। क्वेश्चन नंबर 58 है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम इज। हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, और इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, यानी कि इसके डायमीटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया गिवन है वो है आई, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये होती है एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इसके ये जो एक्सिस होगी, मतलब इसके रिम से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें बताना है। तो हम जानते हैं वो कितना होता है, वो हम जानते हैं कि वो होता है 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे आई की फॉर्म में चेंज करना है, तो आई की फॉर्म में हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो 3/2 हमें इसे कन्वर्ट करना है एम आर स्क्वायर बाई 4 में। एम आर स्क्वायर बाई 4 में अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, और या 4 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये अंदर ले लिया हमने, मतलब एक बार फिर से देखते हैं इसको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम इज। तो डिस्क है, डिस्क का जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो होता है आई, इसने दिया है, और इसकी वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर बाई 4, और जो पूछा है हमसे वो होता है 3/2 एम आर स्क्वायर। तो 3/2 एम आर स्क्वायर है, और इसको बदलना है हमें एम आर स्क्वायर बाई 4 की टर्म में, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 एम आर स्क्वायर बाई 4, और ये वैल्यू जो है वो कितनी है, आई। तो जो पूछी गई अक्ष के परिते जड़त्व आघूर्ण है उसका मान कितना होगा, 6 आई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा,
थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 में हमसे पूछा है कि ये व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर हैज फोर्सेस अप्लाइड टू इट एज शोन इन फिगर। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस 4 न्यूटन एट ए, ए पर हमने 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, 8 न्यूटन एट बी, 6 न्यूटन एट सी एंड 9 न्यूटन एट डी एट एंगल्स इंडिकेटेड इज। डायग्राम में जो एंगल जिन पे ये अप्लाई हो रहे हैं वो शोन है। तो देखो मोमेंट ऑफ सॉरी टॉर्क जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए देखो हम क्या कह सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ जो व्हील है उसके अबाउट हमें टॉर्क प्रोड्यू कैलकुलेट करना है, तो सबकी डिस्टेंस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर है, तो जो टॉर्क होगा टो उसको हम कह सकते हैं कि ये 4 न्यूटन का फोर्स है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो 4 इंटू परपेंडिकुलर है ये, तो रेडियस आ जाएगी सीधे सीधे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम इसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं, फिर एक साथ कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से जो बी पॉइंट पर है तो ये 30 डिग्री के एंगल पे हैं, तो हमें इसका कंपोनेंट चाहिए ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, इसका ये कंपोनेंट कोस होता है तो ये होगा साइन, तो ये आपके पास 8 इंटू साइन 30 जो कि कितना हो गया हाफ। ये अपोजिट है, क्लॉकवाइज है, तो इसको हम लिख देंगे 8 इंटू हाफ इंटू 20, ठीक है। फिर हम पहुंचते हैं पॉइंट डी पर, तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ रोटेट करवाना चाह रही है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी हम नेगेटिव ले लेंगे। फोर्स है 9 और डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो टॉ इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यहां पे भी 4 है, ये 4 इंटू 20 4 इंटू 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आएगा -9 इंटू 20 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, न्यूटन इंटू मीटर में, तो ये आ जाएगा 180 है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दें और ये आ जाएगा न्यूटन मीटर, और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.8 न्यूटन मीटर, और नेगेटिव डायरेक्शन को हमने किस तरफ लिया है, क्लॉकवाइज, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, सेकेंड, 1.8 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। लास्ट क्वेश्चन है, जनरली द मास ऑफ ए फ्लाई व्हील इज कंसंट्रेटेड इन इट्स रिम, क्यों, व्हाई। गतिपालक जो पहिया होता है जो आपके इंजन में यूज किया जाता है हमारे, वो किस लिए यूज किया जाता है कि वो पावर को क्या करे, स्टोर करे, और पावर को स्टोर करने के लिए उसके मोमेंट ऑफ इनर्सिया की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया को अगर हमें इंक्रीज करना है तो जितना ज़्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा, जितना ज़्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं डेंसिटी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी, उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो फ्लाई व्हील है उसके मास को हम उसकी रिम पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, उसके डायमीटर या उसके एरिया में ना करके, ठीक है। तो उसका जो सीधा सा रीजन है वो यही है कि हम क्या इंक्रीज करना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जड़त्व आघूर्ण को हम क्या चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे DCM 10 पेपर का जो क्वेश्चन थे उन सबका सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छी तरह से जुटे हुए होंगे। तो आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट कहते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। JCLC, JJCLC।